हेलो फ्रेंड, नमस्कार। महेंद्र सिंह। तो फ्रेंड, आज एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा कि यदि आपने पर डे 5 लीटर की टेस्टिंग नहीं की तो आपके पेट्रोल पंप पे इंटरलॉक एक्टिव हो जाएगा और आपके सारे नोजल बंद हो जाएंगे। इंटरलॉक एक्टिव हो जाने के कारण आपकी सील बंद हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमें पर डे टेस्टिंग कहाँ से करनी पड़ती है, तो आपको पता है। यहाँ स्टेटस पे गए, स्टेटस पंप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और करेंगे। यहाँ पे हम अपने नोजल नंबर सेलेक्ट करके टेस्टिंग डाल के यहाँ से 5 लीटर वॉल्यूम करके और यहाँ पे प्रीसेट कर देते हैं। इसके बाद मशीन से हम 5 लीटर की टेस्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ से तो हम टेस्टिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम करेंगे अपने नोजल चेक। हमारे चारों नोजल ओके हैं। इसके बाद टैंक स्टेटस पे चेक करेंगे, टैंक स्टेट ओके है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हम अपनी जो टेस्टिंग करते हैं वो कहाँ से चेक करते हैं। तो हमारा जी रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये देखिए रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम ट्रांजेक्शन पे। देखिए ट्रांजेक्शन, यहाँ फ्यूल पे क्लिक करेंगे। फ्यूल पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी सेल बताएगा। अब हमें मॉर्निंग से देखनी है सेल, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ कर देंगे हम 6, क्योंकि 6 बजे हमारी मशीन स्टार्ट होती है ना। तो हमने कर दिया है 6 और यहाँ पे कर दिया 0 0। और यहाँ से हम गो कर देंगे। एक्शन की जगह नीचे गो का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी टेस्टिंग आ जाएगी अब यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो ये टेस्टिंग बताएगा। यहाँ पे हमने सुबह 6:07 पे मशीन ओपन की। ओपन करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद ये हमने यहाँ टेस्टिंग की। तो देखिए यहाँ पे 5 लीटर ये इतने रुपए का निकला है और ये रेट चल रहा है 109 रुपए 91 पैसे। ये टेस्टिंग, यहाँ देखिए टेस्टिंग आ गई है। यदि हम टेस्टिंग नहीं निकालते तो यहाँ पे कैसा था, नोजल नंबर कौन सा था हमारा 2 नंबर, कौन सी साइड था हमारा 2 नंबर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, फिर हमने डीजल की टेस्टिंग की सुबह। यहाँ पे 5 लीटर कितने रुपए का हुआ, 475 रुपए 60 पैसे का। इसके बाद यहाँ आएंगे, रेट कितना चल रहा है, 95 रुपए 12 पैसे। और यहाँ पे हमने टेस्टिंग डाली थी तो यहाँ पे टेस्टिंग लिख के आ गया। और यहाँ पे देखिए, नोजल नंबर 2, मशीन नंबर 2, नोजल नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी टेस्टिंग आ रही है और ये हमारा कैश लिख के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो पेट्रोल डाली है, ये कैश लिख के आ गया। अब इसमें देखिए फ्रेंड, यदि आप मशीन से, ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग नहीं डालते और डायरेक्टली आप मशीन से टेस्टिंग निकाल देते, जैसे कि डायरेक्ट मशीन से भी निकाली जाती है, आप मशीन से टेस्टिंग निकाल देते तो यहाँ पे टेस्टिंग लिख के नहीं आता। जो अभी यहाँ पे टेस्टिंग लिख के आ रहा, इसमें से टेस्टिंग लिख के आपका नहीं आता। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो ऑटोमेशन सिस्टम से अपने 5 5 लीटर की टेस्टिंग डाली, देखिए यहाँ पे 5 लीटर ये टेस्टिंग लिख के आ गया, ये टेस्टिंग लिख के आ गया, यहाँ पे बाकी कैश कैश कैश। तो हमने जितने नोजल की टेस्टिंग की, यहाँ पे टेस्टिंग लिख के आ गया है। यदि डायरेक्टली हम मशीन से टेस्टिंग करते फ्रेंड, तो यहाँ पे टेस्टिंग लिख के नहीं आता, इसमें यहाँ पर कैश लिख के आता, वो कैश में निकलता, जबकि आपने टेस्टिंग निकाली है मशीन से, लेकिन यहाँ पे कैश लिख के आ गया, क्योंकि आपने ऑटोमेशन सिस्टम से नहीं किया। तो आप ऑटोमेशन सिस्टम से टेस्टिंग कीजिए, वरना आपके नोजलों पे टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो जाएगा। टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो जाने के कारण आपकी सेल बंद हो जाएगी। 5 लीटर पर डे हर नोजल से 5 लीटर टेस्टिंग करना अनिवार्य है, वरना आपके नोजलों, जितने भी आपके नोजल हैं, सारे नोजल पर इंटरलॉक एक्टिव हो जाएगा। टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो जाने के कारण आपकी सेल बंद हो जाएगी, इसलिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड, नमस्कार।